कांकेर से अब आपको एक अनोखी खबर दिखाते हैं। अब तक आपने लोगों की जान बचाने के लिए कई ऑपरेशंस देखे होंगे, लेकिन बखानजूर के परकोट जलाशय में एक शख्स का फोन गिर गया। इसके बाद फोन को निकालने के लिए पहली बार ऑपरेशन चलाया गया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। सोमवार से ऑपरेशन शुरू हुआ, गुरुवार तक चला और इस दौरान गोताखोरों की मदद ली गई। जब गोताखोर फोन नहीं निकाल पाए तो पंप लगाकर तालाब का पूरा पानी निकाल दिया गया और फिर जाकर मोबाइल मिला। तो कांकेर का यह अनोखा ऑपरेशन देखिए, मोबाइल फोन ढूंढने के लिए इतनी मशक्कत। पहले गोताखोरों को इस पर ढूंढने के लिए लगाया गया, लेकिन उसके बाद जब गोताखोरों को असफलता हाथ लगी तो पंप के जरिए तालाब का पानी निकाला गया, उसके बाद फोन मिल पाया। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है। एक तरफ पुलिस अपराधियों की कुंडली तैयार कर रही है और जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों के घर पर जाकर डोजियर फॉर्म भी भरवा रही है। पुलिस इन अपराधियों को नसीहत भी दे रही है कि जेल से बाहर आने के बाद अच्छा आचरण करें। इसके साथ ही अपराधियों की वीडियो और फोटो शूट कराकर उनकी काउंसलिंग भी लगातार की जा रही है। कार्रवाई से जुड़ी कुछ तस्वीरें हैं, जिसके जरिए इस बात का अंदाजा लगाना आसान कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कितनी सख्त है और लगातार सजगता के साथ ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। जो अपराधी जेल से छूट गए हैं उनके आचरण पर भी निगरानी के लिए पुलिस की टीमें लगातार तैनात हैं। काउंसलिंग भी हो रही है और आगे अपराधों की ओर वो ना जाएं, इसके लिए भी पहले से ही फॉर्म भरवाया जा रहा है। नसीहत भी दी जा रही है कि आगे अगर अपराध किए जाते हैं तो और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है। इधर सतना की बात करेंगे, जहां तेज रफ्तार दो बाइकों की भिड़ंत में दो लोगों की मौत हुई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना नागौत कालीजर सड़क पर महताइन गांव के पास हुई है। गंभीर दुर्घटना जिसमें दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, हालत गंभीर है। सतना की सड़क दुर्घटना जिसमें बाइक सवार तीन लोग फिलहाल घायल अवस्था में अस्पताल में ही भर्ती हैं, और साथ ही साथ दो ऐसे लोग जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर, इसी वजह से यह पूरी दुर्घटना, लापरवाही वर्ष ड्राइव किया जाना सामने आया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है तीनों लोगों की, जबकि दो लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। राजधानी भोपाल का अब जिक्र करेंगे, जहां देर रात चली तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़ गए हैं और कई कच्चे मकानों की छत भी हवा के तेज झोंकों की वजह से उड़ गई है। हवाओं के चलते बिजली के खंभे और तार भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इससे कई इलाकों में पावर कट की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भोपालवासी बढ़ती हुई बारिश और आंधी की वजह से परेशान। पेड़ उखड़ गए हैं कई सारे और कई कच्चे घरों की दीवारें भी उड़ गई हैं। आवागमन भी पूरी तरह से बाधित हो रहा है, क्योंकि मार्ग में पेड़ों के आ जाने से गाड़ियों का निकलना मुश्किल है। कई इलाकों में पावर कट की भी समस्या, जिससे रहवासी भोपाल में जूझ रहे हैं। कल देर रात यहां पर तेज आंधी चली, जिसका असर आप देखिए अगली सुबह ये तस्वीरें सामने आई हैं। कई सारे पेड़ गिरे हुए पाए गए और उसके बाद आवागमन यहां पर बाधित होता हुआ। पहले दिन में भले ही सूरत का तापमान बढ़ा हो, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई वैसे वैसे ये गर्मी भी काफूर हो गई और देर रात राजधानी सहित प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज आंधी जो है वो दर्ज